खगोल शास्त्री नीरज लालिया जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज जी, थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव को भारत ने चुना है, कितना ज्यादा मुश्किल है दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना, क्योंकि टेम्परेचर का वहां पर बहुत दिक्कत है, माइनस में टेम्परेचर है, करीब 8-8 किलोमीटर के पहाड़ है, समतल सतह नहीं है। इसके साथ साथ एक बड़ी चीज ये भी, अभी तक कोई भी देश वहां पर लैंड नहीं कर पाया है, सोचा भी नहीं है। अगर हिंदुस्तान लैंड कर जाता है तो कितनी बड़ी कामयाबी हिंदुस्तान के लिए होगी? सबसे पहले थैंक यू, मैं आपके चैनल के जरिए सबको, पूरी भारत को ये शुभकामना देना चाहता हूँ कि हम इस बार बहुत ही सुंदर तरीके से एंड सहज तरीके से हम सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। अब आते हैं आपके सवाल पे। अब मैंने यहाँ पे आपको सहज इसलिए बोला क्योंकि हमने अपनी गलतियों से सीखा है, और साथ में हमारे पास एक चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ऑलरेडी वहां पे है। अब इस बार क्या हमें फायदा मिलेगा, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने उसी सदर्न पोलर रीजन का बहुत अच्छे से मैपिंग करी है, तो उसकी फोटोज को यूज करके ही इस बार चंद्रयान 3 की लैंडिंग को अटेम्प्ट किया जाएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है कि वहां पे सदर्न पोलर रीजन में लैंड करना बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इसी वजह से इस आज तक किसी भी नेशन ने उसे ट्राई नहीं किया। जबकि क्योंकि चंद्रयान 1 में हमें ये पता चला था कि वहां पे पानी है, वो एक एरिया ऐसा है जहां पे ह्यूमन सिविलाइजेशन इन फ्यूचर बस सकती है, इसी वजह से पूरी दुनिया का इंटरेस्ट इस रीजन पे आया। अब आते हैं कि वहां पे लैंडिंग करना डिफिकल्ट क्यों है। सबसे पहले तो लैंडिंग सबसे ज्यादा जहां पे हुई है आज तक बाकी नेशंस की, वो मेजरली इक्वेटोरियल रीजन पे रही है मून के, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर अच्छा है, वहां पे सनलाइट भी अबंडेंट रहती है, प्लेनर रीजन है कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन टू सदर्न पोलर रीजन। अब सदर्न पोलर रीजन में यही प्रॉब्लम है कि वहां पे एक तो सनलाइट भी बहुत कम पहुंचती है, दूसरा रीजन टेम्परेचर बहुत कम है, तीसरा वहां का जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा ही कहते हैं ना उबड़ खाबड़ है, तो इन कंपेरिजन वहां बोल्डर्स भी ज्यादा है, क्रेटर्स के डेप्थ ज्यादा है, हिल्स भी ज्यादा है, तो वहां पे लैंड करना अपने आप में चैलेंजिंग है। अब इसी वजह से आप देखो आज तक 4 मिशंस जो अब तक फेल ऑलरेडी हो चुके हैं जो लैंड करना चाह रहे थे सदर्न पोलर रीजन में, और इंडिया का ऑलरेडी एक मिशन, इसराइल का एंड रशिया का अभी लूना 25, इसके पहले चाइना का एक मिशन, तो ऑलरेडी 4 मिशंस फेल हो चुके हैं। बट इस बार हमें क्योंकि अपनी गलतियों से सीख लिया, हमारे पास एक स्टेप अहेड है कि हम इस बार सफल लैंडिंग करके दिखाएंगे जरूर।